दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हम दीपावली में बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं और खूब सारा एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटली पटाखे जो हैं वो हमारे हाथ में या हमारे पैर में फूट जाते हैं और जिसके कारण हमारा हाथ पैर या हमारा चेहरा जो है वो जल जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकें, और अगर आप जल गए हैं तो मैं उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दिवाली आने वाली है और कल धनतेरस है, और धनतेरस के साथ ही हम बहुत सारे पटाखे फोड़ना चालू कर देते हैं। बहुत सारे खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और खूब सारी खुशियां बांटते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी पटाखे फोड़ने के दौरान पटाखे जो हैं हमारे हाथ में फूट जाते हैं या हमारे पैर में फूट जाते हैं, या कभी कभी अनारदाना जलाने के दौरान हमारे आँखों में उसकी चिंगारी चली जाती है, हमारे चेहरे पर चिंगारी चली जाती है, जिससे हमारा चेहरा जल जाता है और हमारी आँखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जिससे ये चीज़ें नहीं होंगी, और अगर आप वो टिप्स को मानेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ें जो एक्सीडेंट होते हैं दिवाली के दौरान वो नहीं होंगी। दोस्तों उसमें से सबसे पहली टिप है दोस्तों कि बच्चों को, जिनकी 10 साल से उम्र कम है, 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं, उनको पटाखा फोड़ने ना दिया जाए। उनको सिर्फ छुरछुरी या आप जो भी बोलते हो उसको दिया जाए, और उससे जो बिल्कुल सेफ होता है बच्चों के लिए वो दिया जाए, या फिर टिकिया वगैरह जो है बच्चों के लिए सेफ होती है वो दिया जाए, तो उनकी उससे खुशी भी बनी रहती है और अगर वो बम पटाखे ना फोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस भी कम रहते हैं दोस्तों, और आपको भी अच्छा लगेगा कि दोस्तों आपके बच्चे सेफ हैं। दूसरा टिप ये है दोस्तों कि जब भी आप पटाखे फोड़ने जाएँ, जब आपको पटाखे फोड़ने ही हैं, दिवाली मनानी है और बहुत सारे पटाखे फोड़ने, तो कॉन्फिडेंस से पटाखे फोड़ें। मतलब ऐसा नहीं कि गए नहीं फोड़ूँ, कॉन्फिडेंट रखें, और कॉन्फिडेंट होके पटाखे फोड़ेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट से पटाखे फोड़ें और अवेयर होके पटाखे फोड़ें, मतलब देख के समझ के पटाखे फोड़ें। दोस्तों एकदम अनजाने में पटाखे ना फोड़ें, या पता चला बगल में पटाखा रखा हुआ है और आप जान नहीं रहे और वो फूट गया, तो फिर वो हानि पहुँचा सकता है आपको। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस और उसके साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर दोनों आपके पास रहते हैं और आप फिर पटाखे फोड़ते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और एक्सीडेंट कभी भी नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ दूरी से आप पटाखे फोड़ें, मतलब बिल्कुल ऐसे करके पटाखे ना फोड़ें। इससे क्या होगा कि आपके हाथ जलने के चांसेस है, आपका चेहरा जलने के चांसेस है। थोड़ा दूरी बना के रखें, थोड़ी दूरी से जाके पटाखे फोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दूरी बना के रखेंगे पटाखों से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पटाखा होता है वो हम ही लोग बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं, और गलती हो जाती है, और वो उस गलती से पटाखा थोड़ा जल्दी फूट जाता है। मतलब जितना उसको टाइम लेना चाहिए उससे थोड़ा जल्दी फूट जाता है, और आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका नहीं मिलता, आपको वहाँ से हटने का मौका नहीं मिलता, और उस कारण से आप जल जाते हैं। तो थोड़ा सा दूरी से अगर पटाखे फोड़ेंगे तो रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा आपको, वहाँ से हटने का मौका मिलेगा, और फिर आप जलेंगे नहीं और पटाखे भी फूट जाएंगे, आप इंजॉय भी कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि अगर पटाखा एक बार जल गया, अगर बम जो है वो एक बार जल गया है, तो उसको दोबारा जलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों कभी भी पटाखा जो है वो एक बार, उसकी अगर जो जहाँ से जलाते हैं वो अगर एक बार आधी जल गई है या थोड़ी जल गई है, उसको दोबारा बिल्कुल भी ना जलाएं, उसको छोड़ दें, फेंक दें, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पटाखे आ जाएंगे आपके लिए, और दोबारा भी दिवाली आ जाएगी, और बहुत सारे पटाखे तो वैसे भी घर पे रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स, अगर आप इसको मानेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो कभी भी आप जलेंगे नहीं। अगर पटाखे आप जलाते हैं फिर भी आप जलेंगे नहीं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। फिर भी दोस्तों अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आपका हाथ जल जाता है, आपका पैर जल जाता है, आपका चेहरा जल जाता है, आपकी आँखों में जलन, मतलब वो पटाखों का जो एक बारूद होता है वो आँखों में चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इमीडिएट एक्शन करना चाहिए? दोस्तों अगर आपका हाथ या आपका पैर या आपका चेहरा जल जाता है, तो तुरंत जाके आपको पानी से ज़रूर एक बार धोना चाहिए, लेकिन हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब पानी से रगड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ छींटा मारना चाहिए। रगड़िए नहीं कभी भी, सिर्फ आप ठंडे पानी से छींटा मारिए। इसका ज़रूर ध्यान दीजिए कि कभी भी
आप जहाँ पर जल जाए वहाँ पर रगड़िए नहीं, पानी को लेके ऐसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको पानी से धोना है, पानी से साफ़ करना है। अगर आँखों में बारूद चला जाता है, छींटा चला जाता है, तो आँखों में पानी से आपको साफ़ करना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे ज़रूरी है कि पानी से पहले धोना, साफ़ करना, जहाँ पर जल गया है वहाँ पर अच्छे से पानी से धोइए। उसके बाद अगर दिवाली है तो आप दो होम्योपैथिक क्रीम ज़रूर अपने पास रखिए। पहली है कैंथेरिस ऑइंटमेंट, और आप टॉपी कैंथेरिस ऑइंटमेंट यूज़ करिए। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। टॉपी कैंथेरिस क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपको कहीं भी जल जाता है तो कैंथेरिस क्रीम बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। जैसे ही आपने पानी से धो दिया, उसके बाद आप टॉपी कैंथेरिस क्रीम निकालिए और लगाइए, जहाँ पर जला हुआ है वहाँ पर अच्छे से पोत लीजिए, मतलब चारों तरफ अच्छे से क्रीम को लगा लीजिए, और लगाने के बाद छोड़ दीजिए, आपका जलन भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ जहाँ पर जला हुआ है वहाँ पर फफोले भी नहीं पड़ेंगे, और बाद में आपको दिक्कत भी नहीं होगी, 2 से 3 दिन के अंदर आप ठीक भी हो जाएंगे। तो कैंथेरिस क्रीम आप यूज़ करें अगर आप जल जाते हैं तो, 2 से 3 बार लगाएं दिन में, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप जल जाते हैं तो कैंथेरिस क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी क्रीम है दोस्तों कैलेंडुला क्रीम। कैलेंडुला क्रीम आप मेडिसिन की लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो कैलेंडुला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ख़ासकर कैलेंडुला क्रीम मेडिसिन की बर्न के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा मेडिसिन की कैलेंडुला क्रीम कैसी आती है। उसको आप घर पर रख लीजिएगा, दिवाली के मौके में आपको रखना चाहिए। अगर कहीं कट जाता है, छिल जाता है, गिर जाते हैं बच्चे, तो आप कैलेंडुला क्रीम लगा लीजिए, बहुत ही जल्दी दोस्तों वो घाव ठीक हो जाता है, और 2 से 3 दिन के अंदर वो घाव ठीक हो जाएगा। अगर जल जाता है तब भी कैंथेरिस क्रीम के साथ साथ आप कैलेंडुला क्रीम भी लगा सकते हैं, 2 से 3 बार कैलेंडुला क्रीम को भी आप लगा लीजिए, तो क्या होता है कि घाव और जल्दी, जो जला हुआ घाव है वो और जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों, जो बर्न इंजरी है वो और जल्दी ठीक हो जाती है। तो कैलेंडुला क्रीम भी आप घर पर रखिए, कैंथेरिस क्रीम भी आप घर पर रखिए, और एक मेडिसिन घर पर रखिए कैंथेरिस थेट, वही जो कैंथेरिस क्रीम है उसी का आप 30% डाइल्यूशन रखिए घर पे। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कैंथेरिस थेटी कैसी दिखती है, और उसको आप घर पे रखेंगे, कभी भी कोई बच्चा जल जाता है या आप जल जाते हैं दिवाली के मौके पे, लेकिन जले ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई जले, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो ही जाता है तो फिर आप कैंथेरिस थेटी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात को दें, 3 दिन तक देना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप जल जाते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। दोस्तों आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा दीपावली की शुभकामनाएँ, शुभ दिवाली, आप सभी के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, बहुत ज़्यादा फल आएँ, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ आएँ। दोस्तों खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, खुशियाँ बाँटिए, बाहर जाइए, दोस्तों दूसरों को भी खुशियाँ दीजिए, खुद भी खुशियाँ लीजिए, इस दिवाली में खूब सारी खुशियाँ बांटिए दोस्तों, और खूब अच्छे से दिवाली आप मनाइए दोस्तों। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे वीडियो के लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है तो शुभ दिवाली ज़रूर लिख दीजिएगा, और साथ में मैं भी आपको विशेष कर दूंगा, नीचे कमेंट आप कर दीजिएगा तो मैं भी आपको कमेंट कर दूंगा दिवाली से रिलेटेड। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच दोस्तों।